तो चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे टंगमर की, क्योंकि वहां पर जहां पर आर्मी की हम बात करते हैं, जहां पर एक तरफ देश की सेवा करने में लगातार जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनता के लिए भी लगातार उनकी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बात करें या मेडिकल कैंप्स की बात करें, लगातार जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। और फिलहाल टंगमर की बात करें तो वहां पर चंदिल गांव की बात करें नॉर्थ कश्मीर में, 2RR द्वारा जो है, राष्ट्रीय राइफल द्वारा जो है, वहां पर मेडिकल कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। और आज सुबह से ही वहां देखा जा रहा है कि काफी तादाद में गांव के लोग जो है अपना इलाज कराने के लिए इस मेडिकल कैंप में जो है वहां पर पहुंचे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर, जो टंगमर के चंदिल गांव की बात करें वहां से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आज आर्मी द्वारा आम लोगों के लिए ये कैंप जो है, मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। क्योंकि दूर दराज के इलाकों की बात करें जहां पर तमाम फैसिलिटीज जो है इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती, वहीं आर्मी की तरफ से लगातार समय समय पर इस तरह के मेडिकल कैंप्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि तमाम इन लोगों को जो है इसकी सहूलियत मिल सके। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं, चाहे महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, सभी जो है बढ़ चढ़कर इस मेडिकल कैंप में हिस्सा लेते हुए भी नजर आए। और हालांकि उसमें अगर बात करें तो उन्हें फ्री में जो है मेडिसिन भी जो है, दवाइयां भी जो है वो भी वितरित जो है उन्हें की गई है। और जरूरी भी है, क्योंकि जहां पर इस तरह के प्रशासन बड़े दावे करती वहां तक नहीं पहुंच पाती है, वहां पर हमेशा ही आर्मी जवानों की बात करें तो वो समय समय रहते जो है इस तरह समाज के लिए भी अपना दायित्व निभाते हुए हमेशा नजर आते हैं। और यही एक पहल जो है यहाँ पर 2RR द्वारा जो है की गई, जिसमें एक फ्री मेडिकल कैंप जो है वहां के लोगों के लिए जो है लगाया गया। और फिलहाल ये तस्वीरें जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर आज सुबह से ही तमाम लोग जो है इस मेडिकल कैंप में पहुंचे हैं, जहां पर उनका फ्री में जो है इलाज जो है वो करवाया जा रहा है। पूरी और जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता आदिल डार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल डार, आपसे ही जानना चाहेंगे, इस फ्री मेडिकल कैंप की बात करें तो क्या कुछ और अपडेट, और जिस तरह से काफी ज्यादा लोग जो हैं देखा जा रहा है कि इस मेडिकल कैंप में पहुंचे हैं। और अब चाहे ज्यादा पता है तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर हम हेल्थ स्थिति की बात करें तो उस तरह की हेल्थ स्थिति यहाँ पर है लोगों को नहीं मिल रही, लेकिन फौज की तरफ से बार बार जो यही कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम है इन्हें कहीं ना कहीं सुझाव मिले। क्योंकि आप मेरे पीछे देखते हैं बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई, आज से 12 साल पहले यहाँ पर बिल्डिंग जो है PHC के नाम से यहाँ पर बनाई गई, लेकिन आज तक हुकूमत की तरफ से जो इसे जो है चालू नहीं किया गया, ताकि यहाँ की आवाम को जो है कहीं ना कहीं राहत मिल सके। क्योंकि बार बार कोशिश ही फौज की तरफ से की जा रही है यहाँ की जो लोकल आवाम है कहीं ना कहीं जो है इन्हें फायदा मिल सके। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं कैमरामैन से गुजरा थोड़ा आगे दिखाएगा, क्योंकि बिल्डिंग जो है आज से 12 साल पहले बनी हुई, लेकिन आज तक हुकूमत की तरफ से सिर्फ लोगों को जो है दावे ही जिसे हम ये कहेंगे सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हम देख रहे हैं आज 12 साल गुजर गए हैं कि बात भी जो है चालू नहीं किया गया। आज सुबह सवेरे से ही यहाँ पर 2RR की तरफ से जो मेडिकल कैंप यहाँ पर चलाया गया, क्योंकि आपको पता है यहाँ के जो लोग हैं दिलों को जो लाइन के जुम्मे में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते, क्योंकि वो इतना एफर्ट नहीं करते, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए और अपना जो इलाज हो जाए वो करे। बार बार फौज की तरफ से या यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से या CRP की तरफ से बार बार कोशिश यही की जा रही है यहाँ के आवाम को जो है कहीं ना कहीं फायदा मिल सके। बिल्कुल आदिल, जिस तरह आपने भी अपने पीछे जो साफ तौर पर बिल्डिंग दिखाई जो प्रशासन की तरफ से कई समय पहले बनाई गई थी और अभी तक अगर बात करें तो इसे फंक्शनल नहीं किया गया, वहां के लोगों की अगर बात करें काफी ज्यादा निराश जो है, पहले भी जब हमने उनसे बात की थी पर फिलहाल आज भी वो निराश ही नजर आ रहे हैं। पर वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो आर्मी की तरफ से जहां पर देश की सेवा तो वो लगातार कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी ओर आम लोगों की मदद के लिए भी और समय समय जो है इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। क्या कहेंगे प्रशासन के लिए, जहां उनका एक मेन रोल बनता था, दायित्व बनता था कि इन तमाम फैसिलिटीज जो है लोगों तक पहुंचाई जाए, पर वो अभी तक नहीं जो है पहुंच पाई है। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही बताया, जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से 12 साल पहले जब बिल्डिंग बनाई गई थी तो यहाँ पर लोगों को जो आश्वासन दिया गया था कि यहाँ जो फैसिलिटी, क्योंकि पूरे पर अगर हम इस इलाके की बात करेंगे तो 25 गांव पर जो मुश्तमिल हल्का छह फलाक की बात करेंगे, लेकिन आज तक जो इसे जो है प्रशासन की तरफ से सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हम देख रहे हैं अभी तक जो है फंक्शन नहीं हो पाए। फौज की तरफ से हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ सरहदों पर ही हमारे लिए सिर्फ खड़े रहते हैं 24 घंटे, लेकिन आवाम के लिए भी जो है यहाँ पर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ पर फौज की तरफ से जो यहाँ पर मेडिकल कैंप जो है चलाया गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आम लोग है या आम पब्लिक है उसे कहीं ना कहीं
फायदे मिल सके। प्रशासन की तरफ से हमने कई बार जो है सुर्खी में रहा है, ये बिल्डिंग जो है सुर्खी में रहा है, यहाँ पे जो भी मंत्री है या हम गवर्निंग पैनल की बात करें और भी एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहे हम हालत की बात करें और भी कई एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार जो अध्यक्ष एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स में यहाँ के आम पब्लिक ने बुलाया, हमने भी बार बार कोशिश की कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग जो है फंक्शन हो जाए ताकि यहाँ जो कुछ गाँव पर छात्र खुला के कहीं ना कहीं जो इनके लोग हो जाए मुश्किल, क्योंकि जहाँ जब बर्फ होते हैं यहाँ पर विंटर में तो यहाँ पर 2-4 फुट के करीब बर्फ हो जाए, क्योंकि गौर की फसल के यहाँ पर उस टाइम मैया नहीं होती है तो हेल्थ के लिए, क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया है, ऐसे यहाँ पर जो बिल्डिंग यहाँ बनाई गई थी ताकि यहाँ की पॉकेट को जो कहीं ना कहीं जो है रात मिल सके, लेकिन 12 साल गुजर जाने के बावजूद प्रशासन जो अभी तक जो है इसे शुरू करने में जो है नाकामयाब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आदिल, एक आखिरी सवाल रहेगा, जहां पर हमने ये बात की कि बिल्डिंग जो है 12 साल पहले बनाई गई थी और आज दिन तक फंक्शन नहीं हो पाई है, वहीं अगर इमरजेंसी की बात करें तमाम रात को अगर कोई मरीज जो है पेशेंट जो है इस तरह बीमार हो जाए उस वक्त उसको कहां पर लेके जाया जाएगा, क्योंकि फिलहाल तो आर्मी की तरफ से जरूर फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, पर इस तरह की सिचुएशन हो जब तमाम लोग जो है बीमार हो जाते हैं उस वक्त उनको कहां पर लेके जाया जाएगा? बिल्कुल, जैसे मेरी अभी यहाँ के लोकल जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात हुई थी, जब भी यहाँ पर कोई इमरजेंसी होती है तो उसे टनमर जो है मुंतकिल करना पड़ता है, लेकिन इस तरह के आज तक भी हमने कही देखे जब भी यहाँ पर कोई इमरजेंसी होती है जब उसे गाड़ी में लिया जाता है तो उसके बीच में ही मौत हो जाती है, क्योंकि टनमर यहाँ से जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर ये हॉस्पिटल जो है यहाँ पर चालू होता तो कहीं ना कहीं यहाँ की आम पब्लिक जो है या ये जो जिंदगी जाया हो रही कहीं ना कहीं हम उन्हें बचा सके थे, और हम ये कहेंगे कि जो यहाँ पर आर्मी की तरफ से यहाँ पर आज मेडिकल कैंप चलाए गए ये साल में 1 या 2 बार चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब से बिल्डिंग बनी है तब से इसको फंक्शन नहीं किया गया है, तो आवाम की हमें यहाँ पर लोकल लोगों से बात की तो उनकी ये जी। आदिल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ ही आदिल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे टंगमर से, और जिस तरह उन्होंने बताया कि आर्मी की तरफ से वहां पर फ्री मेडिकल कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया गया है और लगातार लोगों को वहां पर सहूलियत दी जा रही, चाहे फ्री मेडिसिन की बात करें और तमाम जो गाँव के लोग थे वहां पर आज सुबह से ही काफी तादाद में लोग जो है उस मेडिकल कैंप में भाग लेने के लिए वहां पर पहुंचे।